तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है, बच्चों की फेवरेट होती है ये। और लॉकडाउन में जब कुछ बाहर मिल नहीं रहा, तो चलिए घर में ही बना लेते हैं हम। तो आज एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमको जो है ईस्ट को जो है पानी में इसको 10 मिनट के लिए हम भिगोएंगे। उसके लिए मैं ये ले रही हूँ वार्म वाटर। तो ये गर्म पानी, आप गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें डालेंगे हम ये। मैंने लिया है ये 1.5 ईस्ट और 1.5 मैंने लिया है शुगर। तो इनको दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट बाद हम इसका डो लगाएंगे। तो चलिए डो लगा लेते हैं। 15 मिनट हो गए हैं लगभग और मेरा यीस्ट बाहर निकल निकल के बह जा रहा है। एक्चुअली मैंने जो है छोटी कटोरी ले ली है, ये देखिए आप। तो चलिए फटाफट से मैं डो लगा लेती हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स, मैं 2 कप मैदा लूँगी, ये 1 कप। तो ये 2 कप ले लिया मैदा हमने। अब हम लेंगे 1 चम्मच ये ड्राई गार्लिक पाउडर। आप इसकी जगह फ्रेश भी ले सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट। अब हमको इनको मिक्स करके अच्छे से आप इसके अंदर यीस्ट डाल दीजिए। मेरा यीस्ट तो बहुत अच्छे से बाहर बह जा रहा है, देखिए इसको। तो मैं इसी से पहले गूंदने की कोशिश करूंगी, उसके बाद मैं पानी डालूंगी जितनी जरूरत पड़ेगी। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम इसको बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे। आप इसमें अगर फ्रेश गार्लिक ले रहे हैं तो 1 चम्मच इसमें फ्रेश गार्लिक डाल लीजिए, अगर आपके पास ड्राई नहीं है तो। तो अब हम बहुत ही बढ़िया सा इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे, बहुत अच्छे से नीट कर करके, जब तक कि एकदम स्मूथ ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया, ये देखिए कितना चिकना हो गया। थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको और चिकना कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से एकदम स्मूथ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए आटा मैंने लगा लिया है, बहुत ही बढ़िया स्मूथ। अब हम इसको जो है एक डैम्प क्लॉथ से इसको ढक देते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसको चिकना कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। तो लीजिए इसको ढक दिया। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, 1 घंटा हो चुका है, आटा देख लेते हैं हम। और ये बहुत ही अच्छे से फूल गया है, बहुत ही बढ़िया एकदम डबल हो गया है। तो मैं इस पर सूखा थोड़ा सा मैदा डाल करके इस पर 1-2 पंच मारूंगी ताकि इसकी हवा जो है अंदर से निकल जाए बिल्कुल। और 1-2 बार इसको हम फिर से नीट करेंगे, ये बहुत ही अच्छे से चिकना कर लेंगे इसको। तो ये देखिए ये हो चुका है चिकना और इसमें मैं 2-3 पार्ट इसके डिवाइड कर देती हूँ, आप 4 भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने फ्रोजन कॉर्न लिया है और मैंने ड्राई गार्लिक लिया है और मैंने ये लिए हैं चॉप्ड गार्लिक फ्रेश और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, मेल्टेड बटर और चीज लिया है मैंने ग्रेटेड अमूल का। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं, इसका डो हमका बॉल बना करके इसको। और इसको हम जो है, ये देखिए पहले आपको बर्तन बता दूं मैं, ये टिन लिया है मैंने, केक टिन, ये जाली वाली प्लेट ली है और ये पोहे वाली जो है जाली होती है, इनमें से किसी में भी आप बना सकते हैं। मैं इस केक टिन में इसको बेक करने वाली हूँ। तो इसी के साइज का हमको ये इसकी चपाती बेलनी है। तो इसको पहले हम सूखा जो है मैदा इसमें थोड़ा सा डस्ट करके और बिल्कुल उसी हमारा जो केक टिन है उसी के साइज का हम इसको बेल लेंगे ताकि ये उसमें अच्छे से आ सके। छोटा बड़ा हो जाएगा, छोटा तो चलता है फिर भी बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमने इसको बेल लिया है इसके साइज का, अब नाप के देख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अब मैं चॉप्ड जो फ्रेश गार्लिक है उसके अंदर मिला लूंगी ये मेल्टेड बटर ताकि बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा ये। तो अब हम इसको इसमें मिला करके और हम इसको चपाती के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आने वाला है। तो ये हो चुका है रेडी हमारा, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब मैं डालने वाली हूँ इसमें ये अमूल मोजरेला चीज ग्रेटेड। आप इसमें थोड़ा सा दूसरा वाला चीज भी मिक्स कर सकते हैं। चीज डालिए बहुत सारा, जब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक चीज़ बहुत सारा ना हो। और कॉर्नर्स को बचाते हुए डालना है आपको। अब मैं ले रही हूँ ये कॉर्न थोड़े से, इसकी जगह आप चाहें तो वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए हो गया है कॉर्न, अच्छे से सेट कर लेते हैं हम इसको। आपको सिर्फ आधे पोर्शन में ही इसकी फिलिंग रखनी है। अब मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स और अब बारी आती है ऑरिगेनो की। मिक्स हर्ब भी ले सकते हैं आप इसकी जगह, तो ये भी डाल लीजिए इसके अंदर। आप जो है रेड जो है चिली होती है फ्रेश, वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, हेल्पिनो भी डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ ये ड्राई गार्लिक, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं क्रश कर देती हूँ। जैसे हमने फ्रेश भी डाला है पर थोड़ा सा ये ड्राई गार्लिक भी डाल रहे हैं हम इसके अंदर। तो चलिए हो चुका है रेडी। अब मैं इसको करने वाली हूँ फोल्ड। उससे पहले हम इसके एजेस पर ये पानी से जो है इसकी एजेस को हम लगा देंगे इसके ऊपर पानी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसकी सील हमने अच्छे से नहीं किया इसको
तो ये खुल सकता है और चीज़ बाहर आ सकता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप लगा दीजिए, कितना परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो चुका है, बढ़िया एकदम तैयार हमारा। अब इसको बिल्कुल आराम से जो है आप इस तरह से इसकी एजेस को सील कर दीजिए बिल्कुल अच्छे से, कि चीज़ बाहर नहीं आएगा। तो ये हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब मैं इस टिन के अंदर थोड़ा सा ये बटर लगाने वाली हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको ड्राई ऑल पर्पज फ्लावर से डस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए, ये बहुत अच्छे से चिपक चुका है। अब हम इस पे लगाएंगे मेल्टेड बटर, लेकिन मटर लगाइए बहुत सारा, तब जाके बहुत ही अच्छी खुशबू आने वाली है। अब मैं इस पे डाल लेती हूँ थोड़ा सा ड्राई गार्लिक, और यहाँ पे भी आप फ्रेश गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं डाल लेती हूँ इसमें ओरिगैनो पाउडर, ये भी अच्छे से डालना है खूब सारा। और इसके अलावा हम डाल लेते हैं इसमें चिली फ्लेक्स, ये भी खूब अच्छे से डाल लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, एकदम यम्मी, बहुत ही बढ़िया। तो रखने से पहले फ्रेंड्स हमको क्या करना है कि इसमें थोड़े से कट लगाने हैं। इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया है। ये देखिए, इस तरह से आप कट लगाइए इसके अंदर। ये कट नीचे तक नहीं जाना चाहिए, एक एक इंच का गैप लगाते हुए इसमें आप इस तरह से कट लगा दीजिए। ये देखिए, इससे बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला लुक आएगा। ये नीचे तक नहीं आना चाहिए ताकि कटेगा नहीं नीचे से। बिल्कुल इस तरह से इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसको टिन के अंदर रख दिया है। तो अब इसको हम कुक करने की तैयारी करते हैं। तो बेक करने के लिए हम ये भगोना ले रहे हैं, एक चौड़ा से मुंह का कोई पैन भी ले सकते हैं, प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये एक पैकेट सॉल्ट। तो इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फैला लेते हैं हम। तो नमक के ऊपर मैंने कटोरी रखी है, आप इसमें केक की रिंग भी रख सकते हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसको प्री हीट करेंगे। तो अब इस भगोने पे मैं लगा देती हूँ ढक्कन, और फिर इसको मैं कम से कम 15 मिनट हाई फ्लेम पर इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लूँगी। तो मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं इसको खोल करके, ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हमारा जो है गार्लिक ब्रेड का जो टिन है वो इसके अंदर रख देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बहुत संभाल के रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म हो चुका है। टोंग की हेल्प से हम इसके अंदर रखेंगे, और ये टिके नहीं तो आप इसके नीचे एक प्लेट भी रख सकते हैं कटोरी के ऊपर। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फिट हो चुका है, मैंने इसको रख दिया है। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है हाई फ्लेम पर। अब मैं इसको ढक करके और 20-25 मिनट पकाऊंगी। तो जब तक हमारा पहला वाला बेक हो रहा है, मैंने दूसरा रेडी कर लिया है, और इसे मैं जाली पर पकाने वाली हूँ। तो लगभग 25 से 30 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है, और अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है हमारी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, और बहुत ही यम्मी लग रही है। इंतजार नहीं हो रहा, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो लीजिए, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है ये, और जितनी बाहर से अच्छी लग रही है ये फ्रेंड्स, उतनी ही गजब की बनी है अंदर से। इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसकी सॉफ्टनेस देखिए आप, वाओ क्या गजब का चीज़ है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया लग रही है, एकदम यम्मी टेस्टी टेस्टी सी, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स, जब मार्केट में आपको कुछ मिल नहीं रहा, अवेलेबल नहीं है, तो घर में इस तरह की स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।